महत्वपूर्ण समाचार पर नजर करिए तो रविवार जे केरल में ब्लास्ट बनाव बन्यो हतो एटले के त्रण जे विस्फोट थया हता ए मामले अनुराग ठाकुर नु निवेदन हाल सामे आव्यो छे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे मोटो आरोप लगाव्यो छे। वायनाडना सांसद राहुल गांधी केम मौन छे तेवो कह्युं छे। केंद्रीय मंत्री कोंग्रेस पार्टी तेमने गुप्त रीते समर्थन आपी रही छे तेवुं निवेदन जाहेर कर्युं छे। केरळना एनाकुलममां कन्वेंशन सेंटरमां रविवारे थयेला त्रण विस्फोटोनी 20 सभ્યોની ટીમ તપાસ કરશે। અકસ્માતમાં મૃત્યુઆંક વધીને હાલ 3 થઈ ગયો છે એટલે કે અને અકસ્માતમાં અનેકો લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા ત્યારે 3 વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે આ મામલે કેરળ બ્લાસ્ટ મામલે અનુરાગ ઠાકુરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે મોટો આરોપ લગાવ્યો છે રાહુલ ગાંધી પર કોંગ્રેસ પાર્ટી પર। વાયનાડના સાંસદ રાહુલ ગાંધી કેમ મૌન છે કેમ ચૂપ છે કોંગ્રેસ પાર્ટી તેમને ગુપ્ત રીતે સમર્થન આપી રહી છે તેવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। જ્યાં એક વાર બમ બ્લાસ્ટ કી ઘટના કી મેં નિંદા કરતા હું લેકિન ઉસકે પીછે આપકો યે ભી દેખના હોગા કુછ દિન પહેલે હી કોંગ્રેસ કા आशीर्वाद और एक तरह से कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका समर्थन इनको क्यों? एक भी नेता राहुल गांधी जी से लेकर शशि थरूर जी तक या इनके पार्टी के अध्यक्ष हो किसी ने भी उस पर कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं खड़े किए, चुपचाप समर्थन दिया है इन आतंकी संगठनों का। इस तरह से भारत में तकरीर करना और जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है। कांग्रेस चुपचाप इनको समर्थन कर रही है। अब वहां पर बम धमाके होते हैं, निर्दोष लोगों की जान जाती है, भारत में बवाल खड़ा करने की बात की जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बाहर से यहां पर फसाद करवाना चाहते हैं, वातावरण खराब करना चाहते हैं, मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल खड़ा करवाना चाहते हैं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चुपचाप इनका समर्थन भी कर रही है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रही।